इन्होंने तो कह दिया जीजा जीजी जेल में डाल रहे हैं। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं भी एक लाइन चटकीली रख दूं इनके लिए। ताऊ कह रहे हैं तुझे एक टुकड़ा मेरी तरफ से भी होगा आपके सम्मान में। बिल्कुल होगा, ये हमारे दीपक भाई की तरफ से पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बना के 100 टुकड़े किए, तू रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए। रब ने बनाया मुझे मेरे लिए, तुझे मेरे लिए। संजय सिंह दूध वालों की तरफ से पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रहे थे मान लोग धन से बढ़कर अब कुछ नहीं, बहुत कुछ है पैसा लेकिन सब कुछ नहीं, पैसा सब कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात आपकी तरफ से आई। हाँ। पहली पंक्ति में आपने कह दिया क्या? भगवान राम ने पैसे को कुछ नहीं माना, राजपाट छोड़ करके चले गए। दुनिया तो केवल यही जाने ये केकई की खुद कर जी थी, वनवास में केवल केकई की नहीं उसमें श्री राम की भी मर्जी थी। वनवास की बात करोगे तो बहुत बड़ा पेच है। बिल्कुल, क्या बात। भगवान राम के वनवास जाने के कई कारण हैं। बहुत, या तो अंधी अंधों का श्राप मानिए, या रावण ने पहले ही भविष्य बता दिया था। जनकपुरी में श्री राम चारी दाहिनी भ्रकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा। क्या वा? भ्रकुटी बाहिनी पर हे रघुवर इस लंका पति का नाश लिखा। हे राम आपसे कहता हूँ सीधे कर लंक चले आना, दस मुख की मोक्ष पिटारी को हे धर्म धुरी संग ले आना। क्या बात बेटे, ये है। उसके बाद भी कारण था, दशरथ जी का मुकुट बाली के पास रखा था। बिल्कुल। जब ताज ही अयोध्या में नहीं है तो युवराज कैसे बनाई जाती है? सुनिए, विचार करने का विषय है। बिल्कुल। अंतिम लाइन आपकी आई, ये पढ़े लिखों का मामला है बेटे। आजकल पैसे को तो बकरी न खाती, मानता हूँ बकरी भी पैसे को नहीं खाती है। बिल्कुल, आ जाएगी। लेकिन वो बकरी भी पैसे से आती है, भूल गई जाती है। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ भैया? बिल्कुल। सुनिएगा, आप जवाब सुनिए अपना। घायल कबूतर देखो वो शिव के पास में आया है, राजा सिबी के पास एक घायल कबूतर आया। आया शरण में आया तो पीछे पीछे बहेलिया भी आ गया। बहेलिया कहने लगा महाराज ये मेरा शिकार है मुझे दे दो। महाराज सिबी ने कह दिया मैं इस कबूतर के तन के वजन के बराबर अपने तन का मांस दे सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन मैं इस कबूतर को नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी शरण में आया है। पैसे की लालसा हृदय से खत्म हो जाएगी जब परोपकार और भक्ति की भावना उत्पन्न होगी। उसलिए जवाब देने का प्रयास हो रहा है मेरी तरफ। क्या बात? वो शिव के पास में आया है, अपने तन का मांस सारा राजा ने तराजू चढ़ाया है। पूरे तन का मांस उस तराजू के पलड़े में रख दिया। बिल्कुल। लेकिन उस कबूतर के वजन के बराबर मांस कर नहीं पाए। क्या वो कबूतर स्वयं धर्म था। तो सुनिएगा कहना क्या है मेरा। क्या?
ना अब कुछ है, ना अब कुछ है, ना था तब कुछ नहीं, इससे बड़ा तो चाहता तो आपके काफियाओं से वापस कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। इससे बड़ा तो सबब कुछ नहीं, सबब कुछ नहीं, इससे बड़ा तो सबब कुछ नहीं, सबब कुछ नहीं, इससे बड़ा तो सबब कुछ नहीं। हाँ जी प्रहलाद भैया जवाब सुने। चार दिन की जिंदगानी, चार दिन का मेला, हाँ जी मैं मानता हूँ प्रहलाद भाई की भी आवाज बैठी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि रात्रि में ये भी कार्यक्रम गा के आए, मैं भी कार्यक्रम गा के आया हूँ। तो भैया प्रहलाद भैया शब्दों की तरफ ध्यान दिया करें। क्या बात। चार दिन की जिंदगानी, चार दिन का मेला, धरा रह जाएगा सब उड़े, अरे धरा रह जाए सब उड़े, हंसा अकेला। हाँ दीपक भाई, लेकिन जो इंसान पैसे के घमंड में होता है। बिल्कुल। अरे पैसे में चूर करे अदब कुछ नहीं, पैसे में चूर करे अदब कुछ नहीं, ऐसे होता है जवाब काफी आबादी से। अरे इससे बड़ा तो सबब कुछ नहीं, सबब कुछ नहीं, इससे बड़ा तो सबब ये नहीं, सबब ये नहीं। Bye.